दोस्तों नमस्कार, मैं मोनू सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में। दोस्तों कुछ लोग को ये नहीं पता कि Google पे फ़ोटो कैसे डालते हैं, या कभी ना कभी आपके मन में भी ख्याल आया होगा जब आप नहीं जानते थे तब। जी हाँ, ये Google है, Google पे हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे हमने लिखा फूल या फिर बेबी लिखते हैं हम, बेबी लिख दिया हमने। अब ये बहुत सारी बेबी की फ़ोटो आ चुकी है, या हम ऑल पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड आ जाता है जो भी बेबी का साइड है, बेबी का गाना है, बेबी का रोमांस है, सब कुछ। लेकिन अगर यहाँ इमेज पे हम क्लिक करते हैं तो सिर्फ फ़ोटो इमेज आते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये फ़ोटो कैसे डालते हैं? चलिए इसकी बात भी छोड़िए, आपके फ़ोन में ऐसा कुछ फ़ोटो आपके पास होता है, आपके छोटे बच्ची का या आपका कुछ ऐसा फ़ोटो जो आप चाहते हैं कि आजीवन आप सेव करना चाहते हैं, मतलब ज़िंदगी भर सेव करना चाहते हैं, कभी डिलीट ना हो, तो मैं वो आपको तरीका बताऊंगा कि आप गूगल पर सेव कर सकते हैं। जी हाँ, गूगल पे सेव करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। और दोस्तों ये फ़ोटो आपके फ़ोन में रहेगा, कभी ना कभी फ़ोन से डिलीट हो जाएगा या फ़ोन खो जाएगा, मेमोरी में रहेगा, कभी ना कभी डिलीट होना है या हैंग होना है, कुछ ना कुछ होना है। अगर आपका ये फ़ोटो गूगल के ऊपर चला गया, इंटरनेट के ऊपर चला गया, तो आपका जब तक इस दुनिया में इंटरनेट ज़िंदा है तब तक वो फ़ोटो ज़िंदा रहेगा। ये बात आप भली भांति समझते हैं, तो चलिए मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के एप्लीकेशन में जाएं, एप्लीकेशन में आपको टाइप करना है ड्राइव। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ड्राइव टाइप करना है। ड्राइव टाइप करने के बाद ये देखिए इस प्रकार ओपन हो चुका है, आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ। लगभग 10 MB का ये एप्लीकेशन है और इसकी रेटिंग देख सकते हैं आप, 4.3 है। डाउनलोडिंग का आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग है। जो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड है, उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड आपके इसी के ऊपर काम करता है, क्योंकि ये गूगल का ड्राइव है तो गूगल के ही ईमेल आईडी और पासवर्ड से ओपन होगा। सबसे पहले इसमें आप लॉगिन कीजिए। चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ और फ़ोटो भी इसके ऊपर अपलोड करके दिखाता हूँ। जी हाँ, बहुत सिंपल तरीका है और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही पावरफुल है। मैं आज से लगभग 5 साल पहले भी फ़ोटो जो मैंने इसमें के अंदर सेव किया था वो आज भी मौजूद है। मेरा फ़ोन खो गया, मेमोरी खो गया, सब कुछ खो गया, लेकिन वो फ़ोटो आज तक ज़िंदा है। देखिए ये मैंने अपना गूगल का ड्राइव खोल चुका हूँ, मैं गूगल ड्राइव, थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। देखिए ये ओपन हो चुका है, अब देख सकते हैं इसके अंदर जो फ़ोटो डले हैं मेरे, ये बहुत बहुत पुराने फ़ोटो हैं। अब मैं इसके अंदर आपको फ़ोटो, आप यहाँ आइए और यहाँ देखिए, आप 15 GB तक इसके अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1.7 GB और 15 GB, यानी मेरा 1.7 GB तक इसके अंदर मैं डाल चुका हूँ, इसके अंदर 15 GB तक मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ। देखिए गूगल फ़ोटो की बात करें, ये फ़ोटो वो है जो मैंने मेरे फ़ोन में है। अब मैं इसे अपलोड करता हूँ, या आप एक और सिंपल तरीका, इजी तरीका आपको बताता हूँ मैं। आप यहाँ से आइए अपने गैलरी में, आपके पास ये फ़ोटो है, आप इस पर क्लिक कीजिए।
मान लीजिए आपका ये फोटो है, मैं आपको तीन चार फोटो सेलेक्ट करके दिखा दिया हूँ, अभी आप यहाँ से शेयर कीजिए। ये देखिए आ गया है सेव टू ड्राइव, ड्राइव पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ आ गया है चार पांच फ़ोटो जो मैंने क्लिक किया था, और अब ये देखिए ये मेरा छह फ़ोटो माई अपलोडेड फॉर ड्राइव, ड्राइव पे अपलोड हो रहा है। ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ये चार फ़ोटो अपलोड हो रहा है। मैं इसे ओपन करता हूँ, अब ये देखिए जो फोटो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये देखिए ड्राइव के अंदर अपलोड हो रहा है। अब ये अपलोड हो चुका है, ये सब फोटो देखिए अब अपलोड हो चुका है। कभी भी इस फोटो को आप निकाल सकते हैं। और देखिए कुछ लोग तो कहते हैं कि मैं फेसबुक के अंदर भी रख लूँगा, लेकिन दोस्तों फेसबुक आपका ब्लॉक हो जाएगा तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे और परेशानी आ जाएगी। या इसके अंदर जो क्लियरिटी होती है गूगल के ड्राइव के अंदर, जैसा फ़ोटो आप जितना क्लियरिटी में डालते हैं उतना ही क्लियरिटी में आपको निकलता है। चलिए अगर आपने इसके अंदर फोल्डर डाला है, फ़ोटो डाला है, तो आप शायद आपको इस गूगल पे भी मिल जाएगा। मुझे पता नहीं मैंने कौन से नाम से सेव किया था, बट मैं अगर अपने ईमेल आईडी से डालता हूँ तो देखिए शायद ये देखिए कुछ फ़ोटो है जो हमारे इसमें आ रहे हैं, ये सब फ़ोटो देख सकते हैं आप। कुछ फ़ोटो हमारे इसमें आ रहे हैं, तो आप इस प्रकार से आपका गूगल पे भी आ सकता है। जी हाँ, चलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।